अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ में रखे। फूडी स्टडी में आज एक नई रेसिपी स्पाइसी रोस्टेड विंग्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस ये विंग्स होते हैं। इससे पहले जो मैंने विंग्स बनाए हैं उससे ये बिल्कुल डिफरेंट हैं। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। रोस्टेड विंग्स बनाने के लिए यहाँ हमारे पास 1 किलो विंग्स हैं। इनमें कुछ ये बड़े साइज़ के विंग्स भी हैं जो इस शेप में हैं और कुछ हमारे पास ये छोटे विंग्स भी हैं। सबसे पहले मसाला लगाने से पहले इनको हम एक बड़े खुले बर्तन के अंदर इन तमाम विंग्स को डालेंगे पानी के अंदर। पानी के अंदर इनको डिप करने के बाद विंग्स को इसमें हम 2 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। और 1 टीस्पून ये नमक है, इसमें डालकर इसको 1 घंटे के लिए अब हम फ्रिज में रख देंगे। चिकन विंग्स को सिरके और नमक में डिप किए हुए काफ़ी देर हो चुकी है, घंटे से इस टाइम 1 घंटे से इसको ज़्यादा हो गया है। अब ये सारा पानी मैं इसका ड्रेन कर देती हूँ। स्पाइसी रोस्टेड विंग्स बनाने के लिए हमें लहसुन अदरक की इसमें पेस्ट चाहिए, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट की है। 1 अदद हम इसमें अंडा इस्तेमाल करेंगे, 1 अदद इसमें हम लेमन का जूस लेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, ये मैंने इस वक्त 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 1/2 टीस्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून पिसा हुआ इसमें गर्म मसाला है। इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून जो है वो साबुत धनिया, जिसको मैंने तवे पर भूनने के बाद ग्राइंड कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक लिया है और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है। हमारे पास यहाँ पे येलो फूड कलर है जो कि मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। ये सारे मसाले अब हम विंग्स के अंदर डालेंगे। विंग्स में जो पानी था उसको मैंने फेंक दिया है, अब ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। इन सब मसालों को इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैं और इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये मुझे इसमें कम लग रहा है। अब मैं इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। विंग्स को मैरिनेट किए हुए कम से कम 3-4 घंटे हो चुके हैं, अब इनको फ्राई करते हैं। यहाँ कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें हम विंग्स के एक एक पीस उठाएंगे और डालेंगे। बहुत तेज़ आंच पे इनको फ्राई नहीं करना, हल्की और मीट बिल्कुल हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। विंग्स के दोनों साइड से इसको फ्राई कर लेंगे। विंग्स दोनों तरफ से फ्राई हो गए, अब इनको मैं बाहर निकालती हूँ। सारे विंग्स इसमें से निकाल लेंगे।
विंग्स बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। चिकन विंग्स बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही स्पाइसी और बहुत मज़ेदार ये विंग्स हैं, जिन्हें आप रायते के साथ या किसी भी सॉस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।